भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के चेहरे पर बड़ी दाढ़ी को लेकर दिए गए अपने बयान पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने अब सफाई दी है। सीएम हेमंत शर्मा ने राहुल गांधी के दाढ़ी की तुलना इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन से की थी, लेकिन अब वो इस पर सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको सबसे पहले बताते हैं कि असम के सीएम ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने राहुल गांधी के लुक के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने बस इतना कहा कि अभी अगर आपको सद्दाम के साथ बैठा दें तो एक जैसा लगे, लेकिन अगर आप अपनी दाढ़ी मुंडवाएंगे तो आप नेहरू की तरह दिखने लगेंगे। शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के लोग मुझे ट्रोल करने के चक्कर में खुद ही सद्दाम हुसैन वाले कमेंट को वायरल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने राहुल गांधी को मजाक में बोला कि उनका चेहरा तो सद्दाम हुसैन जैसा हो रहा है, इस पर कांग्रेस के लोग नाराज हो गए। इसमें नाराज होने की क्या बात है? राहुल गांधी को लगता है कि दाढ़ी बढ़ाने से उनके अंदर मैच्योरिटी आ जाएगी, यह तो नहीं हो सकता है, यह अपने आप आने वाली चीज नहीं है। शर्मा ने इसी के साथ कांग्रेस के नेताओं को नसीहत भी दी। उन्होंने कहा कांग्रेसियों को याद होना चाहिए उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में क्या बोला था और क्या क्या बोलने का दुस्साहस किया था। इसके बाद मुझे ज्ञान दीजिए कि क्या बोलना सही है और क्या बोलना सही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ गई और उनका एक नया लुक देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी ने 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा का प्रतिनिधित्व करते हुए कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की थी। राहुल गांधी इस वक्त मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 3,570 किलोमीटर लंबी है, जो 150 दिनों तक नॉनस्टॉप चलती जाएगी। ये यात्रा देश भर के 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर कर रही है। ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर श्रीनगर में खत्म होगी। राहुल गांधी ने इतने दिनों की यात्रा में अपनी दाढ़ी बढ़ाई, जिसको लेकर अभी कुछ ही दिनों पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि राहुल गांधी अब दाढ़ी रखने के बाद सद्दाम हुसैन की तरह दिखाई देने लगे हैं। गुजरात में चुनाव प्रचार में लगे असम के सीएम इन दिनों अपने इन बयानों को लेकर सुर्खियों में, कई बयान देते हैं वैसे तो। पिछले हफ्ते उन्होंने अहमदाबाद की रैली में राहुल गांधी के लुक पर तंज कसा था। शर्मा के इस बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया। कांग्रेस नेताओं ने असम सीएम के बयान पर जमकर हमला बोला था। कांग्रेस से भाजपा में गए हेमंत बिस्व शर्मा पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने कहा था कि शर्मा वही व्यक्ति हैं जो कांग्रेस नेताओं का पैर पकड़ते थे, इस बयान पर उनको शर्म आनी चाहिए, वो जो कुछ भी आज हैं वो कांग्रेस की वजह से हैं। असम सीएम के बयान पर अमित शाह ने कहा था चुनावी माहौल में जनता मौज लेकर ऐसी बातें भूल जाती है, इसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है। क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह से भी इस पर सवाल किया गया था तो उन्होंने कहा था कि चुनावी माहौल है, जनता ऐसे बयानों पर मौज लेकर भूल जाती है। अमित शाह ने कहा था कि ऐसे चीज़ों को इतना तूल नहीं देना चाहिए, चुनाव के दौरान इस तरह की कई बातें कही जाती हैं, जनता ऐसी बातों पर 2 घड़ी के लिए मौज लेती है। शाह ने कहा था कि चुनाव के दौरान ऐसी कई बातें की जाती हैं, इससे वोटिंग नहीं बदलती है। राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर लेकिन काफ़ी बयानबाजी होती रही है और राहुल गांधी की दाढ़ी को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है उस पर हेमंत बिस्व शर्मा ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने प्रधानमंत्री की दाढ़ी पर क्या कहा था। आपको याद है प्रधानमंत्री की दाढ़ी को लेकर एक ट्वीट दरअसल उन्होंने किया था जब उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी ने काफ़ी दाढ़ी बढ़ाई थी। आपको याद होगा पश्चिम बंगाल का चुनाव उस वक्त चल रहा था, उनके लुक को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी क्योंकि वो रविन्द्रनाथ टैगोर के अंदाज में उनकी दाढ़ी दिखाई दे रही थी। तो बस इतना लिखा था कि दाढ़ी में और डॉट 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 उन्होंने कर दिया था, तो वो एक कहावत के जरिए उन्होंने ये वार किया था। लेकिन बीजेपी ने उस वक्त उन्हें बहुत ट्रोल किया था और इसको माना गया था कि एक बहुत ही अपमानजनक टिप्पणी है जो राहुल गांधी ने की है। तो राहुल गांधी पर अब जब टिप्पणी हुई है तो कांग्रेस के नेताओं को ये बात बुरी लगी है। अब हेमंत बिस्व शर्मा कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो हैं वो उस टिप्पणी को याद कर लें जो उन्होंने की थी। हालांकि ये बात भी सही है कि अगर वो टिप्पणी सही नहीं थी तो शर्मा ये भी सोचें कि ये टिप्पणी कितनी सही है। अगर उन्होंने गलत टिप्पणी की थी उसका कोई समर्थन नहीं करेगा तो इनकी टिप्पणी का भी कोई समर्थन नहीं करेगा। लेकिन अब इस पर सफाई देते दिखाई दे रहे हैं। जैसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि ऐसी चीजों को लंबा नहीं खींचना चाहिए, तो शर्मा भी नहीं चाहते हैं कि इस बयान को ज्यादा तूल दिया जाए, तो अब वो सफाई दे रहे हैं कि उन्होंने मजाक मजाक में यह बात कही थी, अगर दाढ़ी कटा लेंगे तो नेहरू की तरह दिखाई देंगे। और पहले भी उन्होंने अपने कमेंट में कहा था कि आपको नेहरू, पटेल, गांधी की तरह दिखाई देना चाहिए, आप तो सद्दाम हुसैन की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ बयान होते हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, मूल मुद्दों से कोई देना नहीं है, लेकिन चर्चा में खासे आ जाते हैं। इस पर बड़े बड़े राजनेता जो हैं वो अपने बयान देते हैं और ये बयान देखते ही देखते सियासी तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण दिखाई देने लग जाते हैं और फिर हमें ये खबर आपके सामने रखनी पड़ती है क्योंकि आपके भी बहुत कमेंट आते हैं। आप बताइए दाढ़ी का मुद्दा जो है कितना बड़ा मुद्दा आपको लगा? क्या हेमंत बिस्व शर्मा ने ये जो बयान दिया था इसकी वजह से कांग्रेस में एक हलचल हुई, कांग्रेस को एक मौका मिला है? क्या इस तरह के बयानों से नेताओं को परहेज करना चाहिए? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर रखें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।